नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विट स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जनवरी महीने के मंथली करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट करेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट पार्ट भी होगा इस वीडियो का, और इसके बाद हमारे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली खबर आ रही है मिस्टर बी आनंद, जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्हें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ उनके पास कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर रूम एयर कंडीशनर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत यदि आपके पास एसी है तो आपको उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री ही रखना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गर्मियों में इसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके बीच में क्या कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है, हेल्दी है या नहीं है। और इसका हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो एट प्रेजेंट 4,757 स्टार्टअप्स एक्टिव हैं इन द सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स। फिर जो हमारा रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ईयर इज 120 बिलियन US डॉलर। अब यदि आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस को, जिसके तहत जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था अब तक, वो अब से पेपरलेस होना शुरू हो जाएगा। स्कॉश स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज, जिसमें गुजरात ने टॉप किया है। उसके साथ में जो स्टार स्टेट्स हैं टॉप 5, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैं। इस रिपोर्ट के तहत बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि गवर्नेंस, टूरिज्म एंड कल्चर, ई गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, पुलिस एंड सेफ्टी, फूड एंड सिविल सप्लाइज, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, डिस्ट्रिक्ट्स, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फाइनेंस, फूड एंड सिविल सप्लाइज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सैनिटेशन। यदि देखा जाए तो फाइनेंस में तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है, फूड एंड सिविल सप्लाइज में वेस्ट बंगाल ने, पुलिस एंड सेफ्टी में तेलंगाना ने, इरिगेशन में कर्नाटका एंड राजस्थान ने, अर्बन डेवलपमेंट में महाराष्ट्र ने, रूरल डेवलपमेंट में तमिलनाडु ने, ट्रांसपोर्ट में तेलंगाना ने। अब आपको ये सारी चीज़ें याद करने को नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये सारी जानकारी मैंने आपको जनरली दी थी। अब आपको सिर्फ जानना ज़रूरी ये है कि जो स्कॉश स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 की रैंकिंग है, उसमें टॉप किसने किया था, तो उसमें टॉप गुजरात ने किया था। यूसुफ जमील को पैन गोरी लंकेश अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट एंड UNEP गुडविल एम्बेसडर पवन सुखदेव हैज़ वॉन दी 2020 टाइलर प्राइज। टाइलर प्राइज नोबल प्राइज कहा जाता है इन्वायरमेंट के लिए। डॉक्टर प्रताप चौहान ऑनर्ड विद आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020। ये अवार्ड उन्हें देने की घोषणा आयुर्वेद दिवस के दिन की गई थी। केरला, जो कि लोकल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, वहाँ की अय्यरकुन्नम पंचायत ने 200 साल पुराने आम का पेड़ होने का एक दावा किया है, जो कि तापुजा नाम की जगह पर है।
कंट्री का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खुला है, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब पहले इसे 2-3 महीने के लिए ट्रायल करके देखेंगे, यदि ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें जो ई वेस्ट प्रोडक्ट होते, जैसे कुछ भी आपके मोबाइल से रिलेटेड जो स्क्रीन गार्ड को भी अपन ई वेस्ट मान लेते हैं, या फिर डेटा केबल हुई आपकी, या अडेप्टर हुआ, या फिर हैंड फ्री हुई जो ख़राब होने के बाद हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान पहुंचाती है। तो आप इसे कलेक्ट करके रखिए, फिर आप इसे जो भोपाल में जिस भी जगह पर ई वेस्ट क्लिनिक है, आप इसे जाकर वहाँ पर सबमिट कर दीजिए, तो वो इसे अपने पास रख लेंगे। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक मशरूम के पार्ट को खोजा है, उस पार्ट को कहते हैं माइसेलियम, जो कि अब फॉसिल बन चुका है। तो उस माइसेलियम को खोजा है, वो भी कितने साल पुराना है, वो करोड़ों साल पुराना है, अब वो फॉसिल बन चुका है। तो मशरूम क्या है, मशरूम एक फंजाई है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग के तहत मानव ठक्कर वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गए हैं। तो अब आपसे एग्जाम्स में पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि मानव ठक्कर का संबंध इनमें से किस स्पोर्ट्स से है, तो अब आपका जवाब क्या होगा, टेबल टेनिस से। तो आपके एक लाइन की क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट कवर होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विल बी सेटअप फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ रेप एंड पॉक्सो एक्ट। मनसुख मंदाविया पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल ऑफ UNAIDS, जो कि कहां पर हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, दावोस स्विट्जरलैंड। हेल्थ के क्षेत्र में और उसे बूस्ट करने के लिए इंडिया और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो किसने किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और इंडिया के बीच में यूनियन गवर्नमेंट ने एक यूनियन कैबिनेट ने एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल को अमेंड करा है, जिसके तहत आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब इस बिल का फीचर क्या होंगे कि यदि किसी लेडी को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तो उसे किस किस की परमिशन चाहिए होगी, 2 डॉक्टर की और 1 गवर्नमेंट डॉक्टर की। इसमें लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, 20 वीक से 24 वीक कर दिया गया है। यदि पहले ये क्या सीमित था कि कोई भी महिला जिसकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 20 हफ्ते ही हुए वो करवा सकती थी, बट अब इसे 24 वीक तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि किसी लेडी या किसी लड़की का रेप हो जाता है और उसे वो चीज़ें बाद में पता चलती है या वो किसी को बता नहीं पाती, तो इसके कारण से वो अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा पाती थी, या किसी किसी केस में करवा भी लेती थी तो उससे उसकी हेल्थ को रिस्क रहती थी। इसलिए अब गवर्नमेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी, जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को। ये कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में। कैबिनेट अप्रूव्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ इंडियन रेलवे हैज कमीशन कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांटेड भुवनेश्वर इन ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसके बाद अगली न्यूज़ है, इंडिया स्लिप्स 2 प्लेसेस ऑन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि हमारी इसके पहले पिछले साल रैंकिंग 78 थी और इस साल हमारी रैंकिंग 80 हो गई है, और हमारा स्कोर 41 था पिछले साल भी और इस साल भी 41 ही है आउट ऑफ 100। मतलब हमारे यहाँ पर करप्शन कम नहीं हुआ है, इसके पहले भी हमारे यहाँ पर जितना करप्शन था उतना ही करप्शन है, जबकि चाइना ने अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया है। तो चाइना ने अपनी पोजीशन 87 थी उसकी पिछले साल, और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके ज़रिए उसने 80 पर वो अब आ गया है।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनने जा रहा है हैदराबाद में। इसके बाद अगली खबर आ रही है, FSSAI ने एक लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम। ये कहाँ पर लॉन्च की है? गुजरात में। इसका उद्देश्य होगा कि जो भी मिल्क प्रोड्यूसर है और मिल्क वेंडर है उन्हें अपनी गुणवत्ताओं में अपने रेगुलेशंस के तहत उन्हें खरा उतारना। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने एक इनॉग्रेशन किया है जिस स्कीम का नाम है डॉक्टर YSR आरोग्य श्री स्कीम। कहाँ पर किया है? येल्लोरू इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक हिमाचल MyGOV पोर्टल लॉन्च किया है, कहाँ पर? शिमला में, जिसका काम होगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना गवर्नेंस की प्रोसेस में। ऐसे ही सारे स्टेट्स के अपने अपने MyGOV नाम के पोर्टल है और एक सेंट्रल का भी पोर्टल है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल को अमेंड करने के लिए, जो कि किसके तहत आता है? होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन नेचुरल गैस सेक्टर हेल्ड इन दिल्ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ 2019 दिया है। उसके पहले आधार को भी वो अपना हिंदी वर्ड ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नाम दे चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम है विज्ञान संगम इन न्यू दिल्ली, इन दिल्ली में। फिर इसके बाद है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि GSAT-30 को लॉन्च होना था फ्रेंच गियाना से जनवरी के थर्ड वीक में, जो कि अब लॉन्च हो चुकी है। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश नोन एज चाइनीज पैडल फिश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, मतलब वो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर थी और अब वो लुप्त हो गई है। स्टूडेंट्स जो कि वीर सुरेनसाई स्पेस सेंटर के हैं, उन्होंने SLV बनाया है, SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हमारा सैटेलाइट लॉन्च होता है। ऐसा ये पहली बार होने जा रहा है कि जो SLV बना है वो किसी स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का फर्स्ट एडिशन का आयोजन करने जा रहा है। एमिनेंट सिंधी राइटर वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिलेगा। फिर अगली न्यूज़ है, इंडिया विल होस्ट शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहादुरपुर और खेरी वीरान इंडिया के पहले दो मॉडल स्पोर्ट्स विलेज होंगे, जो कि पार्ट होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। पेपल इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू एडॉप्शन असिस्टेंस प्रोग्राम टू एनहांस पेरेंटल सपोर्ट बेनिफिट्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज। इसके बाद है, इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट एक्सरसाइज संप्रीति 9 टू बी कंडक्टेड इन मेघालय। ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं कि इस एक्सरसाइज का संबंध कौन से देश से है, या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज जो हो रही है उसे कौन सी, उसके क्या नाम दिया गया है और ये कहां पर हुई है। इसरो इस बार अपनी रोबोट व्योमित्रा को अपने अनमैंड गगनयान मिशन के लिए भेजेगा। गूगल पे ने अनाउंस किया है, वो अपने गूगल पे ऐप पर न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम होगा फास्टैग। इससे आप अपने फास्टैग पर इजीली रिचार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप से। फिर मुंबई बेस्ड वॉकहार्ड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गेट द DCGI नोट फॉर 2 नोवेल एंटीबायोटिक्स। मुंबई बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम वॉकहार्ड है, इसको DCGI नोट, DCGI का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव कर दिया है 2 नोवेल एंटीबायोटिक्स। इसका नाम है एमरॉक इंजेक्टेबल एंड एमरॉक ओरल, जिसका यूज़ होता है एक्यूट बैक्टीरियल स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन को ठीक करने में, और साथ साथ में ये डायबिटिक फुट इन्फेक्शन को भी
ठीक कर सकती है। इसरो ने अनाउंस किया है कि वो अपना सेकेंड लॉन्च पोर्ट इस्टेब्लिश करेगी थूथुक्कुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, जिसका सिर्फ एक्सक्लूसिवली एम क्या होगा कि जो छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उनको लॉन्च करने में इसको मदद मिलेगी, इसलिए ये वहाँ पर इस्टेब्लिश। डॉक्टर साके सिंह अ सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में है, उनको पहला फर्स्ट मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलने जा रहा है, ऐसा पहला अवार्ड है जो उन्हें मिलने जा रहा है। रानी रामपाल को नॉमिनेट किया है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। दी फेमस 11 डे लॉन्ग ओपन एयर थिएटर धानु जत्र हैज़ बिगन एट बारगढ़ इन वेस्टर्न ओडिशा। इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ओपन थिएटर इन द वर्ल्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को दर्शाते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हैज सेटअप द सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कहाँ पर सेटअप करा है उन्होंने? बेंगलुरु कर्नाटका में। 12th नेशनल ट्राइबल यूथ प्रोग्राम कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? पौंडीचेरी पुदुचेरी। न्यूट्रल वर्ड डे हैज़ बीन वोटेड फॉर द डिकेड बाय यूएस लैंग्वेज एक्सपर्ट। रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा बिगेंस इन त्रिपुरा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इनॉग्रेटेड अ फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट सुरेंद्र नगर इन गुजरात। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।